तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गीतम यूनिवर्सिटी। तो आज का ये ब्लॉग बहुत स्पेशल रहने वाला है जो स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं और जो एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए, क्योंकि कंप्लीट कैंपस टूर करूंगा, ट्राई करूंगा, पूरे डिपार्टमेंट के अंदर जाऊं, पूरा कैंपस आपको दिखाऊं। तो आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एडमिशन कैसे होगा, क्या क्या ब्रांच मिल सकता है, तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं देखने वाला हूँ एक ऐसे कॉलेज जहाँ पे बिहार के मैक्सिमम सारे स्टूडेंट का ऐसा उनका डाउट था कि भैया गीतम यूनिवर्सिटी कैसा है हरियाणा के अंदर, उसके बारे में थोड़ा बताइए, उसका कैंपस टूर लेके आइए। तो फाइनली ये दिल्ली से 1.5-2 घंटे का रास्ता था, हमने सोचा कि चलो देखता हूँ एक बार गीतम यूनिवर्सिटी, आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया है, अभी इसके अंदर हम चलने वाले हैं। मैं ट्राई करूंगा कि कोई एक साथ में मिल जाए यहाँ कॉलेज से जो हमें पूरा कैंपस टूर करवा दे अच्छे से इन्फॉर्मेशन देख करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे पीछे देख सकते हो यहाँ पे कई सारे बस लगे हुए हैं, तो आप दिल्ली NCR से यहाँ पे आना चाहते हो तो इनके बस का सर्विसेस ले सकते हो। अगर मेट्रो से आना चाहोगे तो यहाँ से मेट्रो जो लास्ट है तो मैं नाम डाल दूंगा, और उस वहाँ से 25 मिनट का रास्ता है, यहाँ पे आप कॉलेज आ सकते हो। तो ये सामने फ्रंट में बैकग्राउंड दिख रहा होगा, काफी ग्रीनरी एरिया है। मैं चलता हूँ अंदर, देखूंगा डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या है। थोड़ा धूप है, आपको दिख भी रहा होगा, पसीने आ रहे हैं। तो बेसिकली ये ब्लॉग टाइप का है आज का वीडियो, ऐसा कुछ कई सारे कॉलेज का मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। एक्चुअली ये NAC से एक्रेडिटेड है, तो इसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे का क्वेरी आ रहा था। तो फाइनली ये आ गया। बाकी कोई भी आपको डाउट होता है तो नीचे हमारे टीम का नंबर दिया गया, वहाँ कॉल कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कैसे एडमिशन प्रोसीजर ये सब रहता है, तो वो सब बता देंगे। चलिए मैं बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो इनका फ्रंट बिल्डिंग है, खुद से भी देख सकते हो। बाकी आप बताना कमेंट में कि कैसा आपको यहाँ का बिल्डिंग्स दिख रहे हैं। कि अंदर मैं चलने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो गीतम गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, तो इनका ये मेन बिल्डिंग है, इसके अंदर चलेंगे, देखेंगे कई सारे डिपार्टमेंट्स है, कैसे कैसे सारा कुछ होता है। मैं ट्राई करूंगा एक एक लैब्स, सुना हूँ यहाँ पे लैब्स काफी अच्छे हैं और काफी ज्यादा एक एक ब्रांच के 4-5 लैब्स हैं। मैं ट्राई करूंगा कि लैब्स के अंदर आपको लेके चलूं, क्योंकि आपको पता होगा कि टेक्निकल कोर्स है, आप थ्योरी पढ़ लोगे लेकिन जब तक लैब नहीं करोगे का वो चीज कंप्लीट नहीं होती। ये सेकंड पार्ट में कुछ हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स मिले हैं, तो मैं सोचा कि इनसे पर्सनल क्या ओपिनियन है, इनका कैसा रिव्यू है कॉलेज का, तो उसके बारे में जानूं। आपको सामने सपना दिख रही होगी और तुषार, तो ये सब आप लोग कौन से ईयर से हो? फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है BTech CSE। तो इन लोग से इनका पर्सनल रिव्यू जानूंगा कि कैसा है कॉलेज। तो ये सीटिंग एरिया बना हुआ है ओपन में, कोई भी अगर इवेंट जैसे होता है ना उसके लिए। ये सामने मेन बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा, गीतम ऊपर में लिखा हुआ है। इसके बैक साइड में आपको हॉस्टल्स एंड कई सारे डिपार्टमेंट्स एंड बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो सभी में आपको लेके चलूंगा, विजिट कराऊंगा। तो ये कुछ ऐसा है। बाकी सामने की बात करोगे आपको इस डिपार्टमेंट के अंदर मैं सभी ब्रांच के और सभी लैब्स के अंदर लेके चलूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ये यहाँ का सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो आपके जो भी एकेडमिक्स बुक होगा कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, सभी बुक यहीं से इशू होते हैं। यहाँ पे सभी बुक्स आपको इशू हो सकते हैं, देख सकते हो आप लाइब्रेरी काफ़ी अच्छा, काफ़ी सारे बुक्स अंदर भरे हुए। मैं ट्राई करता हूँ अंदर थोड़ा दिखाने का। ये अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग सबको बुक्स मिल जाएगा आपको, यहाँ पे सर बैठे रहते हैं, यहाँ से बुक्स इशू कराने होते हैं, कुछ टाइमिंग होता है, उतने टाइम पे आपको रिन्यूअल कराना होता है, देन आप यहाँ पे आ करके एक्स्ट्रा बुक्स भी ले सकते हो जो क्लास के अंदर रिक्वायर हो। और ये आप लाइब्रेरी से बुक इशू करा करके सेल्फ स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो यहाँ पे बैठ करके। अगर हॉस्टल्स में आपको हाँ लगता है कि अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो तो आप यहाँ पे लाइब्रेरी में आके स्टडी कर सकते हो, ये भी लाइब्रेरी का ही पार्ट है। यहाँ पे आप ऑनलाइन जो बुक्स होते हैं उसको यूज कर सकते हो, जो भी मैगजीन्स है उसको यहाँ पे आप ले सकते हो, यहाँ पे आपको सिस्टम्स मिल जाएंगे, वाईफाई ये सब यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हो अगर कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो तो। अभी हम चलेंगे CS के लैब में, तो आपको देखता हूँ दिखाता हूँ कई सारे CS के लैब है। अभी ये मैं पहले लैब के अंदर आया हूँ, जो फर्स्ट ईयर के अंदर सी लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग करोगे, CSE अगर CS का डेटा साइंस भी मिला है या फिर आपको AIML भी मिला है, तो यहाँ पे आपको सी लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर। तो ये है सेकेंड लैब कंप्यूटर साइंस का, जहाँ पे आपको कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का लैब करने को मिलेगा, ये सब सिस्टम के ऊपर। तो आप देख सकते हो काफी सारा सिस्टम रखा हुआ है, 30-30 बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद अभी चलेंगे हम थर्ड लैब में, जहाँ पे ये है कंप्यूटर साइंस का थर्ड लैब। आप कंप्यूटर साइंस में कोई सा भी ब्रांच लेते हो तो इस वाले लैब में आके आपको हमेशा प्रोग्रामिंग करना ही पड़ेगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लैब में देख रहा हूँ, वो पहला लैब था, इसमें ये जो है ये सेकेंड लैब है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स का रिसर्च लैब, ये आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेकर के, और जो भी प्रोजेक्ट नए डिज़ाइन करोगे
तो ये सब प्रोजेक्ट्स जो यहाँ के स्टूडेंट ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ये सब प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, सभी लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पुली वगैरह का है, ये हैंड सैनिटाइजर जैसे बच्चों ने बनाया है। अच्छा, ये बच्चों ने बनाया है, कोविड के टाइम बनाया था बच्चों ने। अच्छा अच्छा, और इसको बाहर एज ए प्रोजेक्ट हमने सेल भी किया है। ठीक है, ये सारा इस तरह ये प्रोजेक्ट्स हैं। ये टरबाइन बनाया गया स्टूडेंट के थ्रू, सॉफ्टवेयर वगैरह पीसी वगैरह में है आपका, जो भी मैटलैब पे काम करना होता है, मैटलैब है, टीना प्रो है, अदर जो भी लाइव सॉफ्टवेयर। ये देख सकते हो आप, छोटा सा रोबोट यहाँ के स्टूडेंट के थ्रू मेड है। तो आप रोबोट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के थ्रू आप रोबोट्स में जा सकते हो। अभी तो आने वाले टाइम का रोबोट्स का बहुत ज़्यादा स्कोप ही है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से भी एक अच्छा आप कैरियर बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का फोर्थ लैब है, इसमें दो लैब है, सभी ब्रांच के अंदर चार पांच लैब्स हमें देखे। इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, फर्स्ट ईयर में बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लैब आता है। ये एनालॉग जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो ना फर्स्ट ईयर के अंदर, उसका आपको यहाँ पे लेक्चर होंगे प्लस लैब्स करने को मिलेंगे। एक क्लास में 60 हाँ, तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 60 बच्चों का एक क्लास चलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, साथ में आपको बोर्ड पे पढ़ाए जाएंगे और यहाँ पे प्रोजेक्टर लगता है। तो आपको जो भी डायग्राम ये सब समझाना होगा, ये प्रोजेक्टर का पर्दा है, तो इसको नीचे करके इस पर चीज़ें समझाई जाएंगी। यहाँ पे क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे का भी होता है, भैया एसी लगा हुआ है, आपको यहाँ पे फैन देखने को मिल जाएगा, पीछे खिड़की है तो आपको हवाई की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे शांति माहौल में क्लास कर सकते हो। डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है, इंडक्शन मोटर है, तो जो एसी और डीसी दोनों में काम करते हैं, तो थ्री फेज सप्लाई यही हुए जो हमने प्रोवाइड कर रखी है। और तो जितना भी जनरेशन पॉइंट होता है हमारा, जहाँ बिजली बनती है हमारी, फिर उनकी प्रोटेक्शन होती है, तो सभी चीज़ें कैसे की जाती हैं, सारा कुछ यहाँ डेमो होता है। चीज़ें आपने थर्मल पावर का नाम सुना होगा, तो उसका पूरा ये लैब ही है। तो जो भी आप पावर सिस्टम में पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल में, उसका ये कंप्लीट लैब है। जितने भी यहाँ पे मतलब कैड है या फिर जो भी रिलेटेड मैटलैब वगैरह है, जितने भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे ये आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में जो भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं ना, अभी तो पता होगा आप कोई सा भी ब्रांच हो, वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का यूज करना ही होगा। ये सब जो भी सिस्टम्स लगे हुए हैं यहाँ पे, जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है, वो सब प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, आप उसका यूज कर सकते हो और अपना जो भी प्रोजेक्ट है उस पर वर्क कर सकते हो। मैकेनिकल का लैब है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैकेनिकल का लैब में जो भी इक्विपमेंट यूज होती है, टेंशन प्लस स्ट्रेस, बहुत कुछ चीज़ें होती है जिसको मेजर करना होता है। तो अब जब मैकेनिकल में एडमिशन लेते हो, ये सब लैब में आपको आके काम करना पड़ता है। तो ये कैंपस टूर में कंप्लीट बने रहना वीडियो के लास्ट तक, मैं कंप्लीट कॉलेज का आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अभी हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे भी कई सारे लैब हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये कंट्रोल सिस्टम लैब है,
कंट्रोल सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर देख सकते हो। इंडस्ट्री में जितनी भी मेन रिक्वायरमेंट रहती है कंट्रोलिंग के, स्पीड कंट्रोल है या फिर किसी भी चीज़ की प्रोसेस कंट्रोल है, तो सारा यहाँ वर्किंग डेमो उन चीज़ों का, माइक्रो नैनो एलिमेंट जितने भी आजकल चल रहे हैं, तो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स। ये जो लैब है ये फर्स्ट ईयर का कॉमन लैब है। जब फर्स्ट ईयर में आओगे वहाँ पे आपको पता होगा जो भी ब्रांच हो रहता है सब में जो सिलेबस सेम रहता है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है ये, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल जितने भी रहते हैं, जैसे बच्चा ट्वेल्थ में करके आता है जी सर, तो जितने भी लॉज हैं, ठीक है, लॉज है फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं आपके, ठीक है, बेसिक जैसे केवीएल केसीएल हो गया हमारा, लाइकवाइज ट्रांसफॉर्मर हो गया, मशीन्स हो गई, ठीक है, उनके सब पार्ट्स हो गए, डीसी मशीन है, मतलब मशीन में दो पार्ट होते हैं बेसिकली, मोटर और जनरेटर, तो दे आर दी परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, और कैसे कंट्रोल करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। ये सब यहाँ पे इवेंट्स जो भी कराए जाते हैं, ये कॉन्वोकेशन का है, यहाँ पे आप देख सकते हो फेयरवेल पार्टी का चीज़ें लगाई हुई हैं जो भी यहाँ पे हुआ है इवेंट। डी यू से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ से काफ़ी सारे बच्चे आते हैं। ये बेनिफिट आपको मिल जाता है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर ये पड़ता है, दिल्ली से मात्र 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है, यहाँ पे इजीली बस के थ्रू बहादुरगढ़ जो दिल्ली मेट्रो रेलवे है उसके से यहाँ पे 20 मिनट का रास्ता है, यहाँ पे इजीली कॉलेज में आ सकते हो। आपको लेके चलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर, इधर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब देखने को मिल जाएगा। यहाँ का लैब हमें काफ़ी सही लगा अदर कॉलेज के, पूरे हरियाणा में लाइव प्रोग्राम एन बी ए का भी कहीं नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है एन बी ए से एक्रेडिटेड है। यहाँ पे आपको लैब देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, यहाँ पे आपको कोडिंग करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स कोडिंग, एंड देन आपको यहाँ पे जो इसके रिजल्ट्स है आपको इस पर प्रिंट आउट करना होता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लोगे तो ये सब लैब्स के अंदर आपको काम करने होंगे, सीआरओ के ऊपर काम करना होगा, कई सारे इक्विपमेंट है यहाँ पे। ये चीज़ मुझे सही लगा, कई सारे मैंने कॉलेज में देखा है, ये आपने देखा होगा लैपटॉप के जो मदरबोर्ड होता है या फिर फ़ोन के अंदर होता है, ये सब डिजाइनिंग आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, ये पीसीबी बनता है कैसे, एक एक एलिमेंट इसमें कैसे लगता है, सब कुछ यहाँ पे डिजाइनिंग करना होता है, देन आपको वो डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट होके मिलता है। वो जो पीसीबी होता है उसको कटिंग कर करके ये सब मशीन, मीन्स यहाँ पे जो मशीन हमें देखने को मिला है ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अदर कई सारे नोएडा में भी कई सारे कॉलेज है इतना सारा आपको लैब देखने को तो नहीं मिलेगा। सिविल डिपार्टमेंट में आप यहाँ से देख सकते हो बाहर का क्या व्यू है, बहुत ही खूबसूरत कैंपस बना हुआ है, तो अभी मैं आपको सिविल वाले डिपार्टमेंट में लेके चलता हूँ। ये सिविल का लैब है, आप जब बीटेक के अंदर सिविल ब्रांच लेते हो तो ये लैब में आके आपको वर्क करना पड़ेगा। यहाँ अभी मैं सिविल वाले लैब में हूँ, अभी मैं और भी कई सारे लैब्स के अंदर जाएंगे। आपको कैसा लग रहा है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना, और यहाँ पे एडमिशन्स का प्रोसेस जानना होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। स्ट्रक्चरल एनालिसिस का ये लैब है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कई सारे यहाँ पूल का डिज़ाइन रखा हुआ है, तो जब भी आप सिविल्स ब्रांच यहाँ पे लेते हो तो आपको वेल मैनेज्ड आपको यहाँ पे लैब देखने को मिल जाएगा। आपने हैंगिंग वाला ब्रिज देखा होगा तो ये सब कंसेप्ट के ऊपर काम करती है, यहाँ पे देख सकते हो, तो सिविल का काफ़ी अच्छा लैब आपको देखने को मिल जाएगा, वैसे वीडियो में शायद ही आपको दिख रहा होगा। बाकी मैं ट्राई किया हूँ कि सभी लैब्स को मैं अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करके आपके सामने लेके आऊँ। बहुत सारे बच्चे का क्वेरी आ रहा था कि गीतम यूनिवर्सिटी के ऊपर भैया वीडियो लेके आइए, तो ये फाइनली गीतम यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो आ गया है। तो ये सिविल ब्रांच का ही फोर्थ लैब है, यहाँ पे आपको सर्वे एंड लेवलिंग का चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी सिविल्स ब्रांच लेते हैं ये सब के थ्रू सर्वे करते हैं कि कहाँ पर मकान बनाना है तो उसका क्या चीज़ें वो होती है, सब सिविल्स के अंदर आपको पढ़ाई जाएगी। ये बॉयज़ हॉस्टल्स हैं यहाँ का, मैं अब इसके अंदर चलूँगा आपको दिखाऊँगा क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ पे और नए बंद भी रहे, ट्राई करूँगा कई सारे स्टूडेंट से पूछने का कैसा यहाँ का खाना मेस है, हॉस्टल्स में क्या साफ़ सफाई कैसी होती है।
तो ये हॉस्टल्स का ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे कई सारे रूम्स आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं एक रूम्स के अंदर आपको दिखाता हूँ क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगा। ये यहाँ पे आपको दो बेड मिल जाएगा, ठीक है, और दो स्टडी टेबल चेयर मिलेगा। और आपके लिए जैसे एक रूम के अंदर दो स्टूडेंट रहते हैं तो उनके लिए ये अलमीरा मिल जाएगा, आप अपना इसे बुक हो गया। इस टाइप का आपको रूम देखने को मिलेगा दो स्टूडेंट के लिए। ऊपर में फैन लगी हुई है, लाइट का सही व्यवस्था, बाकी में हाँ एसी और नॉन एसी दोनों यहाँ पे रूम अवेलेबल है। तो जैसा भी आप पैकेज लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको एसी नॉन एसी देखने को मिलेगा। ये साइड में खिड़की है तो आपको ऐसा पूरा ओपन ओपन सा फील होगा। ये यहाँ पे दोनों साइड आपको रूम देखने को मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे कई सारे फ्लोर्स हैं, कई सारे रूम्स हैं। यहाँ पे आपको वाटर कूलर मिलेगा, चार फ्लोर बता रहे हैं सर। यहाँ पे वाटर कूलर्स की फैसिलिटी है, जो भी आपको पीने का पानी होगा यहाँ से आके भरना पड़ेगा बोतल में, ठंडा पानी और आरओ का पानी मिलेगा। ये यहाँ का जिम्स एरिया है तो कई सारे स्टूडेंट जिम्स भी के बारे में पूछते हैं, तो आप देख सकते हो। अभी लाइट थोड़ा बंद है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगेगा जब लाइट ओपन होगा। अभी एक्चुअली क्या है ना कि एग्ज़ाम्स हो गए, बच्चे घर गए हुए हैं, तो जैसे सेशन स्टार्ट होगा तो ये सब में फुल्ली ये सब रनिंग में मोड में आ जाते हैं, ठीक है। तो जिम्स के जो भी इक्विपमेंट है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सब आपको पैकेज के अंदर इंक्लूडेड रहता है। जो भी आपका कोर्स का पैकेज अगर बिहार से हो तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो पैकेज बना होता है, या फिर बाहर से भी हो तो आपको यहाँ पे जो पैकेजेस है या फिर जो फ़ी है उसी के अंदर ये हॉस्टल्स के फ़ी में इंक्लूडेड रहता है। काफ़ी नीट एंड क्लीन है, आपको कॉमन बाथरूम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कई सारे बाथरूम्स हैं इसके अंदर, पाँच पाँच दस बाथरूम है यहाँ पे आपको। यहाँ पे ये आपको बाथरूम जिसको बोलते हैं वो है उधर, आपको मैंने अभी जो दिखाया था यहाँ पे आप नहाने का, ये अलग से बना हुआ है। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, टाइल्स लगे हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी रूम्स है उसके कॉमन बाथरूम है। आर्किटेक्चर का बिल्डिंग आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल भी अवेलेबल है और वो इनका सामने स्कूल है, उसके ऊपर में वहाँ गर्ल्स हॉस्टल है, उसके पीछे में यहाँ पे कॉलेज है काफ़ी बड़े एरिया में। काफ़ी आपको ग्रीनरी यहाँ पे देखने को मिलेगा, काफ़ी लंबा ग्राउंड है। आप शायद कैमरे में जूम करके आपको दिखाऊँ, ये मैंने 10x जूम कर दिया है, 20x। अभी इस वाले बिल्डिंग में थे, उसके पीछे हम लोग हॉस्टल्स में थे, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो ये कैफेटेरिया है यहाँ का, तो आपको जो भी एक्स्ट्रा आपको कुछ भी खाना होना हो तो आप कैफेटेरिया में जा कर के खा सकते हो। होस्टल का जो मेस है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसलिए आपको दिखाता हूँ कैसा मेस है। यहाँ पे काउंटर लगे हुए हैं, यहाँ से आप खाना लेकर सकते, प्लेट लगे हुए हैं, देन आप यहाँ बैठ के आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट ये सब कर सकते हो। तो हॉस्टल्स आपने देख लिया, हॉस्टल में कई सारे बच्चे खा भी रहे थे, मैंने बस ट्राई किया कि थोड़ा खाना का फ़ोटो निकाल दूँ, काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। ये कुछ आपको देखने को यहाँ पे हॉस्टल्स के जो मेस है वो देखने को मिला। बाकी मैं चलता हूँ थोड़ा